जब एक शादी होती है तो लगभग हम 20-25-30 पेड़ काट देते हैं, क्योंकि पुनः अपने आदिवासी समुदाय से विनम्र निवेदन करूंगा कि भाइयों आप सभी सुधर जाइए, शादी जरूर करिए पर मड़वे के तौर पर पेड़ों को ना काटें। कि आप जब कहते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है तो हमारा कर्तव्य ये भी होता है उसकी रक्षा करना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं कुंदन पन्ना। आज मैं यहाँ भुटगा के जंगल पे हूँ, बादलखोल जंगल है ना, भुटगा ग्राम है और ये बादलखोल जंगल है। और आज मैं इस जंगल में थोड़ा घूम के देखना चाहता हूँ कि वास्तव में ये बादलखोल जंगल है क्या और कितना घना है और अभी कितना पेड़ बचा है, तो मैं देखना चाहता हूँ। तो आप मेरे साथ पीछे पीछे आइए। तो आप सभी देख सकते हैं पेड़ अभी भी है ना, और अब जंगलों की कटाई धीरे धीरे हो चुकी है तो पेड़ काफी अब घना नहीं रहा है। देख सकते हैं आप दूर दूर पर पेड़ है ना, पेड़ों की मात्रा अब कम हो गई है, कुछ बड़े पेड़ बचे हैं और बाकी कुछ छोटे पेड़ हैं। तो मैं आज उन सारे आदिवासी समुदाय से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा मैं कि हम आदिवासी लोग कहते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, हम प्राकृतिक पूजक हैं और वास्तव में हम प्राकृतिक पूजक हैं। पर मैं आज आप सभी से अपील करना चाहूँगा, एक समय में हमारे दादा परदादा है ना, पापा हमें ये बताया करते थे कि जब हम बच्चे थे छोटे थे तो बहुत ही घना जंगल हुआ करता था और ये बादलखोल जंगल तो इतना घना हुआ करता था कि सवेरे दिन के समय भी जंगल को पार कर पाना काफ़ी मुश्किल था। पर आज हम देख सकते हैं कि जंगल में जो पेड़ों की संख्या है काफ़ी कम हो गई है और दादा परदादा कहते थे कि इतने पेड़ होते थे और उन जंगलों में जीव जंतु पेड़ पौधे के साथ में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे, पर हम ये खाली कहानियों में सुनते रह गए। और आज हम जब वास्तव में घूमते हैं तो हमें ना कोई जानवर दिखता है, ना कोई जीव दिखता है, ना कुछ दिखता है, मतलब जंगल जंगल नहीं रहा। तो आज मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा आदिवासी समुदाय से कि आप जब कहते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है तो हमारा कर्तव्य ये भी होता है उसकी रक्षा करना। विशेष मुद्दा मेरा ये है कि जब हम आदिवासी समुदाय के लोग जब हम शादी करते हैं तो हमारा रीति रिवाज है, परंपरा के अनुसार हम मड़वा गाड़ते हैं। तो आप सभी को याद होगा, ज्ञात होगा कि जब हम मड़वा गाड़ते हैं तो 9 पेड़ है ना, 9 पेड़ की हम बलि देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा परंपरा है, हम अपना मंडप तैयार करते हैं 9 मड़वा को लेकर, और केवल हम 9 मड़वा के ताम पे 9 पेड़ केवल नहीं काटते हैं। जब एक शादी होती है तो लगभग हम 20-25-30 पेड़ काट देते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि मड़वा लेकर आना है तो 1-2-3 लोग नहीं जाते हैं, जितने भी हमारे सगे प्रिय लोग रहते हैं वो सारे कोई जंगल जाते हैं और सब उस व्यक्ति के नाम से मड़वा लेकर आते हैं। और जब एक शादी होता है तो यकीन मानेंगे या फिर आप खुद देखे होंगे कि एक शादी में 20-25-30 पेड़ को काट दिया जाता है। तो जब हम इस तरह से पेड़ों को काटते रहेंगे और इसी तरह हम अपनी संस्कृति को जीवित रखेंगे, मड़वा गाड़ने की संस्कृति को, तो मैं सोचता हूँ एक दिन एक भी पेड़ नहीं बचेगा। तो हमें आज समझने की जरूरत होगी, हो सकता है उस समय हमारे पूर्वजों ने उस परंपरा को जीवित रखा और ये परंपरा को हमें आज भी जीवित रखना है, इसे हमें समाप्त नहीं करना है, पर बस हमें कुछ चीज़ों को बदलना होगा। जब हम मड़वा गाड़ते हैं तो मैं चाहूँगा आप लोगों से कि जीवित पेड़ को ना काटें, आप मड़वा जरूर गाड़िए। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जैसे ये हो गया सराई का पेड़, ठीक है, ये हो गया सराई का पेड़। आप इस पेड़ को पूरा मत काटिए, अगर यहाँ से काट देते हैं तो भाई ये पेड़ मर गया। आपको मड़वा गाड़ना ही है तो मैं चाहूँगा इस तरह के छोटे डंगालों को आप तोड़ लीजिए, इस डंगाल को लीजिए और अपने गांव घर में बांस हुआ करते हैं उस बांस को काटिए और बांस के ऊपर में इस डंगाल को आप मड़वे के रूप में लगाइए। इससे ये होगा कि हमारे पेड़ बचे रहेंगे और हमारी संस्कृति भी जीवित रहेगी और दोनों साथ साथ चलेंगे। और अगर हम आज इस चीज को नहीं सोचे, नहीं समझे, तो मैं कहना चाहूंगा कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास कोई पेड़ नहीं रहेगा। तो मैं पुनः अपने आदिवासी समुदाय से विनम्र निवेदन करूंगा कि भाइयों आप सभी सुधर जाइए, शादी जरूर करिए पर मड़वे के तौर पर पेड़ों को ना काटें। मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूंगा, इस तरह के आप डंगाल ले लीजिए और डंगाल को आप है ना मड़वे के तौर पर ऊपर लगाइए और अपना शादी करिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि शहरों में अब पेड़ नहीं रहा तो वे क्या कर रहे हैं, वे इसी तरह छोटे से डंगार को लेते हैं और लोहे की रोड लगाते हैं और उस पर
सराय का ये डंगाल लगाते हैं और मंडप तैयार हो जाता है। तो हमें पेड़ों को बचाना है तो हमारी संस्कृति में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यही निवेदन के साथ मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ, आप सभी मेरे बातों को सुने, उसमें मनन चिंतन करें और एक अच्छा विचार लेकर आए और सभी जागरूक हों और इसी तरह डंगाल को काट कर अपना मड़वा लगाएं और अपना शादी विवाह खुशी करते रहें। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।